डियर चिल्ड्रन, हाय। सबसे पहले आज हम लोग ये देखेंगे व्हाई मैथमेटिकल टूल्स आर नीडेड फॉर फिजिक्स। टेक एन एग्जांपल ऑफ अ सोल्जर हु इज़ गोइंग टू वॉरियर ग्राउंड फॉर फाइटिंग। अगर वो वेपन्स के साथ जाएगा तो उसके माइंड में अलग सा एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ, मैं एक विनर हो सकता हूँ। वैसी ही सेम केस स्टडी इज फॉर द फिजिक्स स्टूडेंट ऑप्टिंग फिजिक्स इन 11th क्लास और इन 12th क्लास और इन टारगेट बैच। आप जब फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपके पास में कुछ प्री रिक्वेस्टी हैं विच आर कॉल्ड एज मैथमेटिकल टूल्स। तो फिजिक्स में जैसे ही आपने एंट्री की और अगर फिजिक्स टफ लग रहा है और आप ये मेरा पूरा वीडियो टिल लास्ट एंड ऑल इट्स पार्ट मेकिंग नोट्स टुगेदर, तो आप में एक अलग सा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा जिसके बाद आपको फिजिक्स टफ लगना बंद हो जाएगा एंड यू विल बी फीलिंग वेरी पॉजिटिव इन फिजिक्स। सो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स। द वेरी फर्स्ट पार्ट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इट्स सॉल्यूशन। एनी इक्वेशन विच हैज़ मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज टू, सच एज स्टैंडर्ड फॉर्म इज ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ रूट्स निकालने के लिए यूज़ नहीं होता। फिजिक्स में ये काफ़ी सारे चैप्टर सच एज ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक्स में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का वाइड यूज़ है। एंड सपोज यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ सच अ नंबर विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। एग्जाम्पल रूट ऑफ 44, देन ऑल्सो यू मे यूज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन सिमिलर केस स्टडी इज़ विद द बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में भी आप इस तरह के यूजेस ले सकते हैं विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वेयर, ग्रेविटेशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक्स में। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरह बाइनोमियल थ्योरम का भी काफ़ी सारा यूज़ है। बट द डिफरेंस इज़ यहाँ पावर के फॉर्म में हम सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर लेंगे। थर्ड इज़ द लॉगरिथम चैप्टर। लॉगरिथम मीन्स लॉग, शॉर्ट में हम इसको लॉग भी बोल सकते हैं। दो टाइप के लॉग होंगे, फर्स्ट होगा नेचुरल लॉग एंड सेकेंड कॉमन लॉग। जब हम बेस एक्सपोनेंशियल मीन्स ई इक्वल टू 2.7182 यूज़ करेंगे देन द लॉग विल बी कॉल्ड एज नेचुरल लॉग। एंड व्हेन विल बी यूजिंग बेस एज 10 द लॉग विल बी कॉल्ड एज कॉमन लॉगरिथम। नाउ कन्वर्जन यू विल स्टडी इन डिटेल व्हेन वी विल बी डूइंग लेक्चर नंबर 3 फॉर लॉगरिथम। सो ओवर हियर कन्वर्जन कैन बी टेकन एज लॉग एन टू द बेस ई इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ एन टू द बेस 10। मीन्स आप 10 बेस वाले लॉग को 2.303 से मल्टीप्लाई करके नेचुरल बेस वाले लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो जस्ट रिमेंबर दिस डेटा 2.303। नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्री इन विच वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दैट व्हाट आर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। देन वी विल बी स्टडीइंग द स्टडी ऑफ अलाइड एंगल्स। देन वी विल स्टडी अबाउट वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। देन सम फॉर्मूला, प्रोडक्ट फॉर्मूला to convert sum into product and product into sum. So in trigonometry we will start from very basic and will go up to the higher trigonometry which is used in physics. Fifth point is differentiation, or it is also called as differential calculus. Whenever a quantity depends on any other quantity
then we say that y equal to f of x, where x is the independent quantity or independent variable and y is dependent quantity or dependent variable. Then we want to measure the rate of change of x or y with respect to x. Then it is needed for differentiation. Then in this chapter we will also be studying for HOD, that is higher order derivatives. Just as the opposite process of addition is subtraction, the opposite process of multiplication is division, similarly the opposite process of differentiation is the integration. Means whenever we want to find out the area of bounded area or bounded surface, and whenever we want to sum up the large set of quantities, integration is highly demanded, and it is denoted by the symbol integration of function with respect to x. So in next lectures we will be going from chapter number 1, which will be quadratic equation and its solution. So be prepared for quadratic equation and solution in next lecture. Thank you for watching. Bye bye.